हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोशिश करेगा नया स्टिच बताने वाला हूँ जिसको बोलते हैं चैन स्टिच। चैन स्टिच में कई तरह के डिजाइन डलता है। ये वैसे फ्लावर, जैसे कोई फ्लावर है या कोई छोटा फ्लावर है, बच्चों के कपड़े हैं, उनके ऊपर ज़्यादा बनता है चैन स्टिच। और ये साड़ी में भी बहुत ज़्यादा बनता है। साड़ियों के जो किनारी होती है, किनारियों पर बॉर्डर में, उनमें ज़्यादा बनता है ये। और मैंने जैसे कि अभी फ्लावर एक ट्रेस किया, ये देखिए। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे बनाना है। ये देखो, ये लाइन हम पूरी चैन स्टिच से करेंगे और ये हमारी बीच की लाइन भी हम चैन स्टिच से करेंगे। चाहो तो आप इसी कलर से करो और चाहे तो आप दूसरा कलर यूज कर सकते हैं। ऐसे राउंड करके लेने का और पीछे से ऐसे। अब ये यहीं से इसी के पास से लेने का इसको। ऐसे राउंड लेंगे और ऐसे इसके बीच में से निकालेंगे। चाहो तो आप बड़ी बड़ी चैन भी ले सकते हो, छोटी भी ले सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। पर इसमें बड़ी भी अच्छी लगती है। चैन स्टिच में ये ध्यान रखने का कि डोरा हमेशा सामने रखना है ऐसे, और तब ये ऐसे आगे से राउंड लेंगे और तब इसके बीच में से जहाँ से हमने ये लिया है वहीं से इसके पास से इसको वापस लेंगे ऐसे। तभी हमारे ज़्यादा अच्छे से डिजाइन उभर के आएगा। अब इसको बाद में यहाँ से इसको फिक्स कर देंगे ऐसे। अब हमें जैसे बीच की बनाने हैं ये वाले, इसमें भी हम ऐसे डोरे को सामने रखेंगे और ऐसे। जैसे देखो, हमने ये एक पत्ती बनाई और उसके अंदर का बीच बना, ऐसे हमें पूरा फ्लावर कंप्लीट करना है ऐसे। आप चाहो तो इसके अंदर का दूसरा रंग भी ले सकते हो, पर मैंने तो इसी को सेम कलर का बनाया है। देखो, ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। ये जब हम ट्रेस कर रहे थे तो हमारा ट्रेसिंग पेपर में पीछे जो हमें लगा था ऑयल, वो हमारे इस पे दूसरे पे ट्रेस हो गया, इसलिए इसको आप अवॉइड करिए। ये डिजाइन नहीं है, ये है फ्लावर मेन। फ्लावर मेन ये पत्ती है और ये नीचे तक आया थोड़ा डिजाइन, तो ये इसमें फ्रेम में नहीं फिट बैठ रहा है। हमने पर बना के, जैसे हमने ये बनाया पीस, फिर हमने फ्रेम चेंज किया, फिर यहाँ बनाया, ऐसे करके हमने इसको कंप्लीट कर दिया। बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा।